गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। ये आपको अवार्ड मिला ट्रैफिक के, उसमें आपने भाग का है जी जी, तो क्या लग रहा है आपको? बहुत अच्छा, खुशी की बात है और अच्छा प्रचार हो रहा है। हाँ। जो आकस्मिक मौतें होती है दुर्घटनाओं से, कामनाएं क्या कहना है आपको? राजनांदगांव नगर के वासियों और जिले के गणमान्य नागरिकों को भी गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर बहुत बहुत बधाइयाँ। बताइए क्या कहना है आपका? आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं गणतंत्र दिवस की। हमारा संविधान जो धर्मनिरपेक्ष को बहुत महत्व देता है, उस धर्मनिरपेक्षता का रास्ते में चलकर आज हम 26 जनवरी का गणतंत्र दिवस हमारे आतिथ्य जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, टैंकर मुक्त शहर। इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर मेरे वार्डवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और मेरे जिले वासियों को शुभकामनाएं और मेरे शहर वासियों को, मेरे देशवासियों को शुभकामनाएं। राजनांदगांव में 71वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सत्यनारायण शर्मा शामिल हुए। लोगों ने हर्ष महसूस किया। म्युनिसिपल स्कूल में झंडा रोहण किया गया। गणतंत्र दिवस के दिन हमने देश के लिए शहीद होने वाले सिपाहियों के परिवारों से हमने बातचीत की। गणतंत्र दिवस की परंपरा के अनुसार झांकियां निकाली गई। प्रथम पुरस्कार ट्रैफिक विभाग को मिला। हमने मुख्य रूप से महापौर हेमा देशमुख, पुलिस अधीक्षक पीएस ध्रुव और एडीएम ओंकार यादव से बात की। वार्ड नंबर 30 के नवनियुक्त पार्षद अमीन होदा से बात की। पब्लिक प्रेस पार्टनर न्यूज देवाशीष, डीएनएक्स मीडिया से सुरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, वहाँ पे खड़े हैं और ये यहाँ पे शहीद का जो शहीद हुए थे वो उनके परिवार खड़े हैं। हाँ बताइए, आपके परिवार थे कौन? मेरा लड़का था। अच्छा। निकेश यादव है? निकेश यादव। अच्छा, तो कहाँ, कब की, कब कब का? 12 जुलाई 2009 में। हाँ, कुरकट्टी एसपी के साथ हुए थे। तो वो आप उसका लालन, वो बचपन से इस देश प्रेम और ये प्रेम से था। तो पुलिस में जाने के लिए बहुत, और आप अपने परिवार से किसी को पुलिस में भेजना चाहेंगे? मेरा लड़का है ना, उसके जगह उसकी जगह है। हाँ, पुलिस में? नहीं, एसआई है ना। एसआई? हाँ, एसपी ऑफिस में है, यहीं है। तो जो घटना घटी उसके बाद, आज 2009 के बाद इतने साल बीत गए, 10 साल, तो क्या लगता है? क्या लगता है? सुना लगता है बेटे के लिए। तो उसके बच्चे अच्छे हैं उनके? नहीं, शादी भी नहीं हुए थे। शादी भी नहीं हुई। अपना नाम बताइए। निर्मला यादव। इसी निर्मला यादव, जो कुरकट्टी कांड जो हुआ था उसमें इनका लड़का शहीद हुआ था, बहुत इनको नमन करता हूँ, जो जिन्होंने ऐसे पुत्र को जन्म दिया जो देश की सेवा करते हुए शहीद हुआ। पब्लिक प्रेस से देवाशीष राजनांदगांव छत। बताइए क्या कहना है आपका? आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं गणतंत्र दिवस की। हमारा संविधान जो धर्मनिरपेक्ष को बहुत महत्व देता है, उस धर्मनिरपेक्षता का रास्ते में चलकर आज हम 26 जनवरी का गणतंत्र दिवस हमारे आतिथ्य जो अतिथि हैं, जो सत्यनारायण शर्मा जी के आतिथ्य में संपन्न हुआ एक कार्यक्रम। मैं चाहूँगी कि इस धर्मनिरपेक्ष की जो बात करते हैं, जो एकता की बात करते हैं,
वो सतत बने रहे हमारे छत्तीसगढ़ में, और जात पात से दूर हम इस राष्ट्रीय पर्व को हमेशा इसी तरह मनाते रहे। आपको लगभग सभी चीज़ें सभी कार्यक्रम खत्म हो गया, आप लोगों को 4 साल 5 साल काम करना है जी, क्या रहेगा, क्या इस गणतंत्र दिवस में क्या सबसे ज़्यादा सुविधा मिलेगी जनता को के बाद से आपकी क्या बात है? गणतंत्र दिवस तो हमें संविधान हमारा ये सिखाता है कि नियमों के अनुरूप हम शहर का विकास करें, और निश्चित रूप से संविधान को ध्यान में रखते हुए हमारे शहर का जो विकास हो सकता है, चाहे सौंदर्यीकरण के लिए हो, चाहे जो जरूरत है मूलभूत सुविधा है, हमारा मूलभूत सुविधा होता है पानी, सफाई और लाइट, इस पर मैं बहुत ही फोकस करना चाहूँगी और जनता के जो परेशानियाँ हैं उनको दूर करने के लिए उनको वादा करती हूँ। पिछली सरकार ने फिजूल खर्चे बहुत हुए हैं, आप लोगों ने ऐसे आरोप लगाए, क्या उसमें कोई नियंत्रण करेंगे आप लोग? बिल्कुल, हमारा बजट भी इसी पे रहेगा, हम सत्य को सामने लाएंगे, जो कर सकते हैं वही बात रखेंगे, अन्यथा जो लोक लुभावन हम बजटे तो नहीं रखेंगे, विकास के बाद जो हम कर सकते हैं वही रखेंगे। गर्मी आने वाली है जी, पानी की क्या तैयारी है? बिल्कुल, पानी की तैयारी शुरू हो गई, हमारा एक पहला काम है, हम मार्च आते ही हमारी 2 टंकी है कंचनबाग की और नवागांव की, उसके हम प्रयास में लगे हैं कि हम इसकी शुरुआत कर सके, अगर ये शुरू हो जाए तो हमको पहली सफलता मिलेगी। कई टंकियां अभी भी अधूरी बची हुई हैं, उन टंकियों के बन जाने के बाद लोगों को, आम जनता को पानी बहुत अच्छा सुविधा से मिल सकता है, तो उसके लिए आप लोग मुकेश सरकार से क्या कर रहे हैं? यानी कई टंकियां अभी भी हम बहुत दिनों से देख रहे हैं अधूरी है, जैसे एक अपन ये वहाँ वाली देख रहे हैं, एक हॉस्पिटल वाली और एक इधर अपना प्यारेलाल स्कूल वाली, उसको पूर्ण करने की प्राथमिकता आप लोग की क्या है? हमारे मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी टैंकर मुक्त शहर, और इस घोषणा को मैं भी मानती हूँ और मैं भी घोषणा करती हूँ कि आने वाले समय में 1 साल के अंतर्गत हम टैंकर मुक्त शहर करेंगे। आपको गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं, बात करने के लिए धन्यवाद। ये थी हमारे साथ महापौर श्रीमती देशमुख जी, हेमा देशमुख जी, पब्लिक प्रेस से देवाशीष रंजन बचत। हम गणतंत्र दिवस में मोहल्ले का दौरा कर रहे हैं, वार्ड वार्ड घूम रहे हैं, शहर की हालत देख रहे हैं। हमारे साथ वार्ड नंबर 30 के पार्षद, आपको पहले तो गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बताइए, इस गणतंत्र दिवस के अवसर पे मेरे वार्ड वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मेरे जिले वासियों को शुभकामनाएं, और मेरे शहर वासियों को, मेरे देशवासियों को शुभकामनाएं। इस वार्ड ने आपको बहुत प्यार दिया, 62 के बाद पहली बार इस वार्ड में कांग्रेस जीती है जी, क्या कहना है? अब आपको ऋण चुकाने का समय आ गया है। मेरी जिम्मेदारियां काफ़ी बढ़ा दी है, यानी इतना बड़ा अवसर और इतना सेवा का मौका मुझे पहली बार मिला है, और इसको मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जितना प्यार और विश्वास मेरे पे दिखाया है जनता ने, उसको मैं पूर्ण तरीके से खरा उतरूंगा। आपकी प्राथमिकताएं क्या है? मेरी प्राथमिकता है सबसे पहले तो सफाई, सफाई पे मैं पूर्ण जोर कोशिश करता हूँ, रोज़ सुबह 7 से लेकर 11 बजे तक 12 बजे तक लगे रहता हूँ कि वार्ड में कहीं भी गंदगी न रहे, और वार्ड नंबर 30 के रहवासियों से मेरा एक ही निवेदन है, कचरा अपने घर के सामने और नालियों में ना फेंकें, उसको डोर टू डोर जो लेने आती गाड़ियाँ उसी को दे, जिससे मोहल्ला साफ रहे, हम खुद जागरूक हो जाएंगे तो हमें किसी की ज़रूरत ही नहीं है। गणतंत्र दिवस की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, जय हिंद। बात करने के लिए धन्यवाद। ये थे हमारे साथ अमीन होद्दा जी, जो वार्ड नंबर 30 के पार्षद हैं, पब्लिक प्रेस से देवाशीष राजनांदगांव छत्तीसगढ़। हमारे साथ राजनांदगांव के SP विधु साहब हैं। पहले तो आपको गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं हो, ये आपको अवार्ड मिला ट्रैफिक के, उसमें आपने भाग का है जी जी, तो क्या लग रहा है आपको? बहुत अच्छा, खुशी की बात है, और अच्छा प्रचार हो रहा है। जो आकस्मिक मौतें होती है दुर्घटनाओं से, उससे बचने के लिए उसका दृश्य था, कैसे बचा जाए। आपका शहर के और जहाँ भी यानी लोगों को जो ट्रैफिक में उसे क्या वो है, आप लोग क्या चाहते हैं कि लोग क्या चीज़ का पालन करें? लोग विश्वास करें और अपने नियमों का पालन करें। हाँ, यातायात नियमों का पालन करें, यातायात नियमों का पालन करें। और जो हमारे साथ ओमकार यदु जी हैं, आपको गणतंत्र दिवस शुभकामनाएँ, क्या कहना है आपको? राजनांदगांव नगर के वासियों और ज़िले के गणमान्य नागरिकों को भी गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर बहुत बहुत बधाइयाँ, और यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम बहुत बढ़िया ढंग से हुआ है, सभी ने आनंद उठाया है, सभी ने उसकी तारीफ की है, सभी बधाई पात्र हैं, प्रिंट मीडिया पत्रकार लोगों ने बढ़िया कवरेज किया है, सभी बधाई के पात्र हैं, और बहुत खुशी का माहौल है, सभी को बहुत बहुत बधाई।
मास मीडिया ई बिजनेस कॉन्सेप्ट ज्वाइन करें हमारे 9200013100 व्हाट्सएप ज्वाइन करें, नाम जिला प्रदेश बताएं, समझने के लिए कॉल करें 9300076626 हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन करें, पब्लिक प्रेस पार्टनर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, पब्लिक प्रेस मीडिया ई बिजनेस कॉन्सेप्ट के साथ पब्लिक प्रेस का मालिक बने, पत्रकारिता करें, मीडिया ई बिजनेस के साथ प्रेस और पत्रकारिता को स्वतंत्र करें, मीडिया लागत निकाले, मीडिया ई बिजनेस के साथ व्यापार करें, यूट्यूब लिंक नहीं खुलेगा।